छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं शनिवार को इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दो दिन पहले रायपुर में बहुत बड़ी रेड पड़ी है कांग्रेस के नेता लूट के पैसों से अपना घर भर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है उन्होंने ये कहा कि महादेव के ऐप के नाम पर इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को लूटा है उस पर कार्रवाई होकर रहेगी उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा आपको देखकर लग रहा है जैसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है इतनी विशाल संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आवत है भाजपा आवत है अब की बार अब की बार अब की बार मेरे परिवारजनों मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें महिलाएं यहां के युवा यहां के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी लेकिन भाइयों बहनों भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है तीस टका कक्का आपका काम पक्का तीस टका कक्का आपका काम पक्का कांग्रेस की हर घोषणा में तीस टक्के का खेल पक्का है इसलिए तीस टका सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है औही वो औही वो औ सही बो बदल के रही वो साथियों छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है जुए का खेल खेलने वालों का है और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को छत्तीसगढ़ के नौजवानों को उनको लूट करके जमा किया हुआ है लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं मालूम आने है किस तक जा रहे हैं कहां तक पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने यहां की सरकार ने यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए कुछ तो होगा ना आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए मैदान में उतर आए और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं हम भी देख लेंगे हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा देकर के पुलिस भेज देंगे ये धमकियां किसको दे रहे हो ये किसको डरा रहे हो ये जनता है सब कुछ जानती है